2 मीटर स्तर मैंने लिया हुआ है, एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई का नाप लेंगे, लंबाई है 38, मार्किंग कर लेनी है। फुल साइज के लिए 8 इंच की मोहरी होती है, 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब जो दूसरा नाप है वो है हिप साइज का, सेट घेर का। यहाँ पर सेट घेर है 40 इंच, इसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। जो भी आपके सीट की रो चौथा हिस्सा निकाल कर उसमें 2 इंच मिलाना चाहिए। यदि परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच, 1.5 इंच मिलाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 12 इंच, 12 इंच पर निशान लगा लिया है। आसन बनाने के लिए 40 इंच का तीसरा हिस्सा, यानी जो भी सीट घेर हो उसका तीसरा हिस्सा लेना होता है। ये है 13.5। ऊपर हम 2 इंच का पट्टा भी लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंच कम कर रही हूँ। लेकिन यदि आप अंदर से पट्टी लगाने वाले हैं तो जो भी नाप आता है उसमें 1 इंच हमें मिलाना चाहिए। लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके आगे 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना है, मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह क्रॉस में टेप रख कर 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान हमें मिला लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। अब ये 2 पल्ले अस्तर के कट हो गए हैं। साड़ी को हमने सीधा रखा हुआ है और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है, इतना हमें याद रखना है। ये साड़ी 8 मीटर की है और हमारी ओर वाली जो बॉर्डर है लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच, इस तरह हमने निशान लगा लिया। 38, 38 और 18 इंच, और ऊपर से 38 और 38 निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को हमने एक लाइन के सहारे से मिला लिया है। अब पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। पल्लू हमने कट कर लिया था, अब ये साड़ी के अंदर वाला हिस्सा है। बुटिया उस ओर है, यानी उस ओर पैर आएंगे, इस ओर कमर आएगी, इस तरह ये बुटिया बनी हुई है। अब लंबाई का हमने नाप लिया, लंबाई है हमारी 38, यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और इतनी बॉर्डर हमें कट कर लेनी है। लेकिन ये बॉर्डर कितनी लंबी हमें कट करनी है, लंबाई का 2 गुना प्लस 10 इंच। लंबाई है हमारी 38, तो 38 एक बार, 38 दूसरी बार और 10 से 15 इंच, इतना हमें कपड़ा कट कर लेना है। पेट का कपड़ा कट कर लेने के बाद अब ये वाला भाग, जिस ओर से बॉर्डर कट है उस ओर से हमारा दाहिना वाला हाथ, इस ओर हमें आसन वाला भाग रख देना है, ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद पहला निशान हमने 2.5 इंच पर लगाया, 2.5 इंच। इसके बाद 5 इंच, 5 इंच, इसके बाद 5 इंच। इसी तरह पूरे सीधे वाले भाग में हमें 5-5 इंच के अंतर पर निशान लगा लेना। निशान लगा लेने के बाद 2.5 इंच पर हमें इस तरह उंगली रख देनी है और इसे इस तरह प्लेट बना लेनी है। यानी ये वाला जो निशान है ये आधी प्लेट तक आएगा, यानी 5 इंच चौड़ी प्लेट हो गई। अब इसी तरह हमें सारी प्लेट ले लेनी है। कुछ प्लेट ले लेने के बाद एक प्लेट हमें बहुत चौड़ी लेनी है, यहाँ तक आ जाए इस तरह से। अब इस तरह से इसे सीधा कर लेना है और पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। लगभग ये आधी प्लेट तक हो जाता है और फिर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। अब ये प्लेट को इस तरह से फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है, ये पीछे आधे तक फोल्ड है और ये वाला हिस्सा इसी तरह से हमने रहने दिया है। अब ये वाला भाग इसे ऊपर की ओर लेकर बॉर्डर को ऊपर ले लेना है। अब बॉर्डर जितनी चौड़ी है उतना ही चौड़े में प्लेट ले रही हूँ, एक प्लेट इतनी ही चौड़ी ले लेनी है हमें। इसके बाद इसके आधे तक इस तरह से क्रॉस में ले लिया और इस तरह से अब इसे भी सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। जब भी हमें सिंगल काष्टा लगाना होता है तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि साड़ी सीधी है और उस ओर हमने बॉर्डर को रखा हुआ है। जब भी सिंगल काष्टा लगाते हैं तो जोड़ते समय हमें इसे उल्टा लगाना चाहिए, सीधा नहीं रखना चाहिए, इसलिए बॉर्डर उस ओर है और साड़ी सीधी है। अब जितनी हमारी लंबाई है 37, लेकिन इस तरह हमने लंबाई में इसे 45 इंच का लिया हुआ है और इस तरह से ये 38 इंच का है। और यहाँ से अब हम नाप लेंगे इसका, ये 27 इंच का है, ये इस तरह लगभग 27 इंच का है। तो इस तरह हमने इसे क्रॉस में पहले कट कर लिया। अब क्रॉस में कट करने के बाद
यहाँ से हमें आसन वाला भाग ड्रॉ करके कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद इस तरह से हमने 3 इंच पर क्रॉस में टेप रख दी है। अब इसे इसी तरह से गोलाई दे देनी है। जब भी सिंगल काष्ठा लगाना हो तो यदि इस तरह से कटिंग की जाए तो काष्ठा बहुत अच्छा बनता है। पल्लू प्लेट और काष्ठा कट करने के बाद जितनी साड़ी बची हुई थी दोनों ओर से बॉर्डर को हमने अलग कर लिया है और ये बॉर्डर हमने नीचे रखी हुई है, इसे इसी में जोड़ लेना है यहाँ से कपड़ा कट करके। अब इस पर अस्तर वाला कपड़ा रख देना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है और किनार पर सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है, ये कपड़ा कट कर देना है। और ये वाला भाग यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, इस तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से कट करना है ऊपर तक। और ये वाला कपड़ा 18 इंच बड़ा है, इससे पूरा 18 इंच ये बड़ा है, 18 इंच, और नीचे वाला भी 18 इंच बड़ा है। अब इसे हमें चुन्नटे लेते हुए यहाँ पर जोड़ लेना है, ऊपर वाला भाग भी जोड़ लेना है, उस और भी चुन्नटे ले लेनी है और ये वाला भाग सीधा ही जोड़ लेना है। अस्तर को जोड़ लेने के बाद कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा सीधे हाथ वाला जो आसन है यहाँ पर हम पल्लू जोड़ेंगे। पल्लू में जो छोटा वाला भाग था ये ऊपर की ओर रहेगा, बड़ा वाला भाग नीचे की ओर रहेगा। यहाँ से 1 इंच के बाद हमें पल्लू को जोड़ना है। बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लगानी है। इसके बाद बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए आसन तक हमें इसे जोड़ना है पल्लू को, और आसन से 4 से 5 इंच नीचे तक पल्लू को जोड़ लेना है। पल्लू को सिलाई लगाकर जोड़ लेने के बाद अब जो दूसरा वाला आसन है यहाँ पर हमें प्लेट जोड़नी है। प्लेट को हमें उल्टा रखना है, पल्लू को हमने सीधा रखा हुआ था लेकिन प्लेट वाला भाग हमें उल्टा रखना है। अब ये जो आधी प्लेट हमने छोड़ी हुई थी आसन वाली, इसे इसी तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और नीचे बॉर्डर वाला भाग इसे मोहरे के बॉर्डर पर रख देना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब जो दूसरा सलवार का पल्ला हमने तैयार किया हुआ है इसमें उल्टे हाथ की ओर के आसन में हम काष्ठे को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक ही काष्ठा लगने वाला है इसलिए हम केवल यहीं पर काष्ठा जोड़ेंगे, दूसरे पल्ले में पल्लू के ऊपर हमें काष्ठा नहीं जोड़ना है। अब काष्ठा हमने उल्टा रखा हुआ है, बॉर्डर उल्टी है, बूटियां भी उल्टी है, आसन वाले भाग को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसके बाद बारीक 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 चिमटियां लेते हुए हमें यहाँ तक इसे जोड़ लेना है और नीचे से लगभग 8 से 10 इंच तक हमें बिल्कुल सीधा जोड़ना है, यानी चिमटियाँ केवल ऊपर वाले भाग में आ जाएंगी। इस सलवार के पल्ले में हमने यहाँ पर प्लेट जोड़ी, यहाँ पर पल्लू, और दूसरे पल्ले में हमने यहाँ पर काष्ठा जोड़ लिया। अब इस पल्ले को उठाकर इसके ऊपर रख देना है और दोनों आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। ये सामने वाला भाग है और ये प्लेट, ये पीछे हमने पलटा दिया था, इतना भाग एक्स्ट्रा है। अब ये जितनी प्लेट है, ये इतनी प्लेट है, इसका बीच वाला भाग यहाँ सिलाई की जगह पर फिक्स होगा, सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। और ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग दोनों को मिलाना है और ये आखिरी वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाले भाग में यहाँ पर ये ओचा फिक्स होगा। अब यदि ये भाग एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्लेट दे देनी है और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू और ये काष्ठा। अब बॉर्डर को सीधा रखना है और बॉर्डर के पीछे की ओर हमें प्लीट लेनी है। एक प्लीट हो गई, फिर से हमें एक प्लीट लेनी है, ये दूसरी प्लीट, यानी कपड़े के चार पल्ले और बॉर्डर एक। पीछे की ओर से हमें इसे पकड़ लेना है, ये काष्ठे का पीछे वाला भाग है, इसे इस तरह बीच में ही रहने देना है और बॉर्डर को उल्टा रख देना है इन्हीं प्लीट पर और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। सिलाई लगाने के बाद बॉर्डर को पलटा लेना है। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसे हमें एक और एक बार और फोल्ड करके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है इस तरह। और ये वाला जो भाग है इसे इस तरह हमें काष्ठे को रख कर सिलाई लगाने के बाद इस भाग को एक टाका यहाँ पे लगा लेना है। और ये कमर वाला भाग है, जब यहाँ पर हम नेफा लगाएंगे बॉर्डर का, इसके ऊपर
नेफे में नाड़ी पिरो लेनी है, और इसके ऊपर हमें ये काष्ठा सिलाई लगाकर जोड़ लेना है।